चलती आई सताज रीत पुरानी है, लाड प्यार से पाली पुत्री ये हो जाती बेगानी है। क्या ये युगों की बनी रीत है? बेटा बेटियां चाहे दस भी हो, लेकिन वो जिस घर में उनका जन्म होता है वो वहां पर नहीं रह सकती। कहता है कि युग युग से चलती आई सदा जदीत पुरानी है, लाड प्यार से पाली पुत्री ये हो जाती बेगानी है। कहता विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता, जो विधि का विधान लिखा है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। हम तो क्या फकीर है, राजा रानी भी अपनी बेटी को घर में बैठा नहीं सकते। के राजा रानी ने तो बड़े शौक लाड प्यार से बेटी को पाला होता है, लेकिन समय आने पर उसकी शादी करके उसका कन्यादान किया जाता है। तो ये कन्यादान की बारे में मैं बताने जा रहा था। तो ऋषि वाली जो मैं शब्द ऋषि के बारे में कह रहा था, एक ऋषि थे, उन्होंने सात युग में भक्ति करते करते हजार वर्ष तक वो जीवित रहे, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उन्हें कोई वर नहीं दिया। अब ऐसा समय आया, एक दिन भगवान भोलेनाथ उस ऋषि के दरबार पर आ गए और कहते हैं, ऋषि वर, कुछ वरदान मांगी। ऋषि वर बोले, प्रभु उम्र तो मेरी पूरी हो चुकी है, मुझे क्या चाहिए वरदान? लेकिन भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सृष्टि में वो दान चाहिए। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो दान चलता रहेगा। ये बात ऋषि वर ने भगवान भोलेनाथ से कही तो भगवान भोलेनाथ ने ऋषि वर को तथास्तु कह दिया। अब दान का नाम नहीं पूछा था, लेकिन भगवान ने उसे तथास्तु कह दिया कि तथास्तु, कोई बात नहीं, जब तक सृष्टि चलेगी तब तक वो दान चलता रहेगा। जब तथास्तु कहा तो ऋषिवर बोले, भगवान भोलेनाथ, सृष्टि में सबसे बड़ा दान क्या होता है? बोला कन्यादान। Oh,
भगवान की जय। भोलेनाथ जब ऋषिवर को कहते हैं कि कन्या दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, ऋषिवर बोले तो मैंने तो शादी नहीं की है ना मेरी, मेरे पास कन्या कहां से होगी। भोलेनाथ हंसे और कहते हैं ऋषिवर, बल मांगते समय थोड़ी आपने सोचा था कि ये मुझे शादी भी करना पड़ेगी। ऋषिवर चुप हो गए, बोला प्रभु तब मेरे को कन्या कहां से मिलेगी। अब वो सात सूत की बात है, एक बुढ़िया थी जिसे आज भी उसका स्मरण किया जाता है। उस समय वो स्त्री के रूप में धारण थी जिसे जमुना के नाम से कहा जाता है। वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी भी 1000 वर्ष उम्र हो चुकी थी। उसके पास तो ना तो उसकी शादी हुई थी ना कुछ। जमुना नाम उस भगवान भोलेनाथ ने उस बुढ़िया का उस समय पर रखा है। उसके पास सिर्फ एक बिजी और एक कुतिया रहती थी और साथ में बोझा उठाने के लिए एक उसके पास खोती भी रहती थी। तीन चीजों के साथ वो बुढ़िया वहां पर रहती थी, उसका कोई नाम नहीं था। जब भगवान भोलेनाथ ने ऋषि के बारे में सोचा तो उस बुढ़िया के बारे में सोचा कि यदि जन्म देगी तो ये दे सकती है कन्या, तभी उसका नाम जमुना पड़ा है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ऋषिवर तो आपको अब शादी करना पड़ेगी। आज भी हमारे हिंदू समाज धर्म में शादी को कबूल मंदिर में भी किया जाता है। जिनके पास पैसा नहीं रहता है वो मंदिर में शादी करके वो कबूल की जाती है। अब ऋषिवर को वो साथ लेकर उस बुढ़िया के पास चले गए भगवान भोलेनाथ। वहां पर भगवान भोलेनाथ को ऋषि और उस बुढ़िया ने साक्षी मानकर भगवान भोलेनाथ के सामने विवाह किया। जब उस बुढ़िया का विवाह हो गया तो उसका नाम क्या पड़ा? जन्म देगी वो। बोला करना क्या भोलेनाथ, मुझे काम तो बताइए। बोला कुछ नहीं, आपने सिर्फ एक कन्या को जन्म देना है। तब उसका नाम जमुना पड़ा। वो ऋषि की पत्नी हुई। जब विवाह हो गया वो ऋषि के साथ ऋषि की कुटिया में आने लगी तो वो एक बिल्ली एक कुटिया एक पोती वो जाकर भगवान के सामने खड़े हो गए। कहने लगे भोलेनाथ,
जमुना का है जैसा रूप हमारा भी भरो। ये भोलेनाथ जैसे इस बुढ़िया के सारे हम जी रहे थे, ऐसा प्रभु हमें भी रूप दीजिए, कभी हमारी भी शादी हो जाए। अब भोलेनाथ उन तीनों को देखकर हंसे और आगे को कदम बढ़ाया और तीनों को वरदान दे दिया तथा अस्तु। कोई बात नहीं, समय आएगा। अब उस ऋषि के घर में विवाह हो गया उस जमुना का, वो जमुना ऋषि के पास रहने लगे और उन ऋषि का नाम भी मैं बताऊंगा वो कौन ऋषि थे जिनका नाम से जमुना की शादी हुई थी। ऐसे तो उन्हें अगस्त ऋषि से जाना जाता था, लेकिन त्रेता युग में उनका नाम कुम ऋषि के नाम से जाने जाते थे। शादी हुई, शादी होने के बाद भगवान भोलेनाथ वहां से चल पड़े तो चार भाई दूर दूर रहते थे, उनके घर से भोलेनाथ गुजरते हुए जा रहे थे। तो एक भाई के पास जमीन बहुत थी, काम बहुत था उसके पास, लेकिन घर में संतान नहीं थी। अब उसके घर में घर से भोलेनाथ गुजर रहे थे तो वो कहने लगा, आइए आइए भोलेनाथ, जल्दी आइए, अच्छा हुआ आप आ गए। भोलेनाथ खड़े हो गए, बोला क्या चाहिए आपको? बोला भोलेनाथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोला क्या चाहिए तो बोल तो सही। बोला प्रभु काम बहुत है मेरे पास, लेकिन मुझे बेटा चाहिए, वो कैसा? बिल्कुल खोते जैसा होगा वो, माने लेकिन काम क्या करे, वो खोते जैसा काम करना चाहिए उसे। भगवान ने उसे अस्तु कहकर वहां से चल पड़े। दूसरे भाई के पास पहुंचे तो उसकी जमीन तो थी, लेकिन वहां पर बंदरों का पहरा होता। वो कहने लगा, आइए भोलेनाथ बैठिए जरा यहाँ पर। भोलेनाथ खड़े होके बोला, बैठना नहीं है, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। बोला मांगिए, कुछ मांगना तो मांग लीजिए। बोला प्रभु और कुछ नहीं, मेरे घर में बेटा नहीं है, वो बेटा होना चाहिए, वो बिल्कुल कुत्ते जैसा। भगवान ने उसे भी तथास्तु के वहां से चल पड़े। बोले शेषकर भगवान की जय। अब वहां से भोलेनाथ तीसरे के पास पहुंचे तो वहां पर
अनाज बहुत निकलता था, जमीन तो थोड़ी थी, लेकिन वहां पर उसके पास चूहे बहुत थे। बोला प्रभु बेटा तो मेरे घर में भी नहीं है, मुझे बेटा चाहिए, लेकिन बिल्कुल बिल्ले जैसा जो चूहे बोले छोड़े। भगवान भोलेनाथ ने उसे वो भी वरदान दे दिया तथा अस्तु और चल पड़े वहां से। चौथे भाई के पास पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ जा रहे थे, तो उसने आदरमान से भगवान को बैठाया और भोजन दिया, पानी पिलाया। भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए और कहने लगे मांगिए भाई, क्या मांगना चाहते? जो मांगोगे वही आपको दूंगा। उसने कहा प्रभु मुझे वो चाहिए जो सृष्टि पर कन्या होने वाली है। भगवान भोलेनाथ सुन रहे थे। बोला कौन कन्या? बोला जिस कन्या ने जन्म जमुना के गर्भ से जन्म लेना है, मुझे ऐसा बेटा दो प्रभु कि उसकी शादी उस जमुना की बेटी के साथ हो जाए। बोले शंकर भगवान की जय, बोले उमापति महादेव की जय। कन्या को जन्म दिया तो एक साल की वो कन्या हुई तो जमुना की वृद्धि हो गई। आज भी लिखा है शास्त्र धर्म पर लिखा है क्या, जो नारी अपने पति से पहले मर जाती है वो सबसे बड़ी स्वाभ्यापति नारी कहलाती है। और शास्त्र धर्म पर भी ये बात लिखी है जब पति और पत्नी में आपस में झगड़ा हो जाता है, एक कहता है मैं मर जाऊंगा, दूसरा कहता है मैं मर जाऊंगा, तो किसे पहले मरना चाहिए? और शास्त्र क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, हमारी हिंदू संस्कृति क्या कहती है,
कि अगर पैसा झगड़ा हो जाए तो पत्नी को पहले मरना चाहिए, तभी वो स्वाग्या पति नारी कहलाएगी। बोलो श्री शिव भगवान की, बोलो उमापति महादेव की। अब जमुना तो मर गई, वो एक साल की कन्या थी, वो रिसीवर उसे पाल रही थी, जवान हुई। जहां जहां ऋषि जाते थे वो ऋषि के साथ फिरती रहती थी। एक चौराहा था वहां पर, वो जहां पर चौथा बेटा भगवान ने दिया था, उनका घर भी उस चौराहे के साथ में था। एक दिन ऋषि के साथ वो कन्या जवान हो चुकी थी, वहां से ऋषि आगे आगे ऋषि और पीछे पीछे वो कन्या चल रही थी। उस चौराहे पर पहुंची तो वो बेटा वहां पर सामने, उसने उस कन्या का रूप देखा और वो वहां पर खड़े खड़े कन्या को देख रहे थे, तो कन्या ने भी उसका रूप मुंह देखा, नजर से नजर मिली और कन्या ऋषि के पीछे पीछे चलती रही। जब आगे थोड़ा आगे पहुंचे तो कन्या बोली, ही ऋषिवर। बोला बेटा क्या है? बोला पिता कुछ नहीं, मैं एक बात बताने जा रहा हूं। अब ऋषिवर काम जा रहे थे। बोला बोलिए क्या? बोला पिता जो लड़का मुझे चौराहे पर मिला था ना। बोला हाँ। यदि बोला पिता इसके साथ मेरी शादी हो जाए तो मैं सदा सुखी रहूंगी। जब ऋषि ने ये बात सुनी तो ऋषि जहां जा रहे थे वहीं से वापस उस कन्या को लेकर वापस लौटे और उस चौराहे पर आए और वहां पर एक पत्थर पर लिख दिया कि मेरे घर में कन्या जवान हो चुकी है, कोई अपने बेटे की शादी करना चाहता है तो मेरे पास आ जाए। अब ऋषिवर जहां जा रहे थे वहां से वापस लौट आए, चौराहे पर वो लिख दिया तो भगवान भोलेनाथ रास्ते में खड़े हो गए। बोले लगे ऋषिवर ये ऐसा क्या आना? बोला प्रभु ये जवान हो गई है, इसने खुद बोला है कि इस बेटे के साथ मेरी शादी हो जाए तो मैं सदा सुखी रहूंगी, तो भगवान भोलेनाथ इसकी शादी तो करवाना पड़ेगी। भगवान ने बोला ये ऋषिवर आप जानते हो? बोला क्या? बोला आपको एक श्राप भी मिला है। बोला किसका? बोला जमुना का। बोला मुझे याद नहीं है। बोला क्यों तुझे याद नहीं जब शादी हुई थी? बोला हाँ। बोला उसने तुझे बोला था कि एक बात को जो एक दिन में आपके साथ चार बार बोलेगा आपको कोई याद नहीं रहेगी। ऋषि बार बोले तो भगवान मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूं। बोला वो समय आ गया, देख लेना अपने हिसाब से। अब ऋषिवर वापस लौटे और घर में बैठे थे। बोले श्री शिव भगवान की, बोले उमापति महादेव की। समझना आते हैं, सोच समझना आते हैं।
कहां कैसे होगी शादी बियाह की सोच समझ न आती है सोच समझ न आती है सोच समझ न आती है कैसा कैसा